अब ये देख लो भैया हमारी राम नगरी, हमारी अयोध्या नगरी कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या ही भीड़ है भाई। सर बाइक आगे नहीं जाएगी, बहुत क्रेजी क्राउड है यार। मेन हनुमानगढ़ी मंदिर में अंदर जाने की लाइन लगी है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई लोग? भाई मैं तो बहुत बढ़िया, आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो भाई जी कल अपन लोग ना अयोध्या पहुंच गए थे रात में, जैसे तैसे करके ना भाई साहब 12:30 करीब बज चुके थे मेरे को अयोध्या पहुंचते। और भाई अभी ना सुबह से ही बारिश हो रही है, देखो मैंने बाइक अपनी भाई साइड में लगा दी थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो राम मंदिर जो नया वाला बना है उसके दर्शन नहीं करवाए थे, क्योंकि अपन लोग उसी दिन निकल गए थे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्योंकि हमको ऐसे पता लगा था कि 2 दिन तक किसी को दर्शन नहीं होंगे, सारे वीवीआईपी लोगों को दर्शन होंगे। तो आज दोबारा मौका लगा, हम नेपाल से वापस आ रहे थे तो अयोध्या घूमते हुए जाते और आप लोगों को भी अयोध्या दिखाते। बाकी भाई साहब अंदर फोटोग्राफी अब अलाउड नहीं है, पहले दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके अगले दिन बस उसी दिन फोटोग्राफी अलाउड थी। आप कैमरा वगैरह बाहर ही जमा करवा देते, अंदर का कुछ भी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको अयोध्या दिखाता हूँ अच्छे से। ठीक है, अभी हम इस प्रॉपर्टी में रुके हुए थे, booking.com से मैंने बुक करी थी। यहाँ पे बंक बेड वाला सीन मिल जाता, 650 रुपये का मेरे को रूम मिल गया था। और ऐसा सा है, वैसे तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैरिज भी वो होते हैं ना जहाँ पे शादी वादी होती है बैंकेट हॉल सा, वैसा सा है। इस एरिया को टकसाल बोलते हैं जहाँ पे ये होटल है। ठीक है, अभी अपना सामान वामान मैंने यहीं छोड़ दिया क्योंकि पहले चल रहे राम मंदिर दर्शन करने के बाद, फिर वहाँ पर यहाँ पे दोबारा आएंगे अपना सामान वामान उठाएंगे, उसके बाद निकलेंगे दिल्ली के लिए। ठीक है, तब सोचा था कि सुबह सुबह ना जल्दी से जाएंगे मंदिर में दर्शन करके वापसी निकल जाएंगे। अरे बाप रे, पानी देख रहे हो, दबा की बारिश हुई है भाई साहब, इसको देख कर ना बहुत बुरा लग रहा है, शीशा टूट गया। 12:30 बज चुके हैं, मंदिर वैसे 1 बजे बंद हो जाता है और फिर उसके बाद 1:30 बजे खुलता है। यहाँ से मंदिर लगभग 5 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है तो 5 मिनट में अपन लोग पहुँच जाएंगे। इस टाइम अभी हम ओल्ड टकसाल वाले एरिया की तरफ में हैं और ये जो सामने आप गेट देख रहे हो ऐसे ना चारों तरफ 4 गेट हैं, और जो पहले का यहाँ के जो राजा रहा करते थे उन्होंने अपने शहर को सिक्योर करने के लिए पहले के टाइम पर इस तरह के गेट बनाए थे। किधर को जाना है समझ ही नहीं आ रहा यार, मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है कि मैं मैप लगा लूं। मंदिर किस तरफ है? हनुमानगढ़ी मंदिर दूर है। कितना दूर है? 8-10 किलोमीटर। यार मैप ही लगाना पड़ेगा, बता रहे हैं यहाँ से बहुत दूर है। तो ये मेन रोड पे आ गए, रामपथ बोलते हैं इस वाले रोड को, तो यहाँ से तो अब 2 मिनट लगेंगे। और भाई साहब कल से ही ना यार बारिश का सा मौसम हो रखा है, रात में भी बहुत तेज बारिश हुई है। अब मुझे लग रहा है मेरे को रास्ते में ना बहुत दिक्कत आने वाली है, मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत बारिश मिलने वाली है। 12:30 हो चुके हैं, मंदिर में दर्शन करके फटाक से मेरे को निकलना है भाई। हाँ पार्क है बेटा पार्क, मोबाइल कान में लगा के ऐसे रोड पे खड़ा है बीच में। भाई साहब लगभग पहुंच ही गए हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर के पास में, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी रह गया। भाई साहब बड़ी तगड़ी बैरिकेडिंग वगैरह करी हुई है। अच्छा संडे है ना, संडे की वजह से हो सकता है भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया हुआ है मैं। अरे भैया हमको रास्ते दे दो। भाई साहब अभी भी इतनी भीड़ है यार, तो कपड़े भी नहीं थे यार पहनने के लिए ना, मैं गंदे ही कपड़ों में आ गया हूँ। सर बाइक आगे नहीं जाएगी इधर से? क्या ही भीड़ है भाई, क्या भाई साहब वहां देखो भंडारा हो रहा है और लाइन देखो भंडारे की कितनी तगड़ी लगी हुई है। भाई मुझे लगा था अब तो भीड़ कम हो गई होगी, मेन भीड़ उसी टाइम थी, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब यहाँ तो भाई हमेशा ऐसे ही भीड़ रहने वाली है। हम मुझे लग रहा था मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगा, लेकिन 1.5-2 घंटे लगेंगे अभी मेरे को दर्शन करने में, काफ़ी टाइम लगेगा। ये भाई वैसे मेन एंट्रेंस यहाँ से जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ से हम अपन लोग बाइक लेकर नहीं जा सकते, तो हम लोग थोड़ा आगे से घूम के चलेंगे। बाप रे भीड़।
भैया कोई भीड़ का तो अंत ही नहीं है इधर। भाई साहब भैया कहाँ से घुसे भाई साहब, भीड़ में गाड़ी तो चलाई नहीं जा रही है। चलो यार यहाँ से अगर एंट्री देते हैं तो यहाँ से चले जाएंगे अंदर। ओ भाई, अरे बाप रे, पार्किंग इधर है, पार्किंग। उधर ले जाओ पीछे, पार्किंग बता नहीं रहे पार्किंग कहाँ है। सर पार्किंग किधर है, किधर आगे है। भाई साहब पेट्रोल पंप के पास लगा देते हैं। यहाँ लगा देते यार, पार्किंग तो पता नहीं लेकिन यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाएगी। भाई गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगा तो दी है लेकिन भाई साहब मेरे को दिक्कत ना हो, बंदा कोई गाड़ी निकाले मेरी गाड़ी गिरा ना दे। एक काम करते हैं जल्दी जाते हैं और जल्दी से दर्शन करके आते हैं। भाई जी हम लोग ना हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं। सबसे पहले अपन लोग हनुमानगढ़ी चल रहे हैं। मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हो ना, ये हनुमानगढ़ी के लिए जा रहा है। उसके बाद अपन लोग मेन जो राम मंदिर है ना वहाँ दर्शन करने के लिए चलेंगे, अगर 1 बजे से पहले पहुँच गए, क्योंकि 1 बजे के बाद तो मंदिर बंद हो जाएगा आधे घंटे के लिए। भीड़ तो ना जिस टाइम पे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी ना उन दिनों भी नहीं थी जितनी भीड़ अब यहाँ पे हो रही है। काफी ज्यादा क्रेजी क्राउड हो गया यार। मेरे को ये लग रहा है कि ना संडे की वजह से भी थोड़ा ऐसा सीन है। भाई साहब ये देख लो भैया, हमारी राम नगरी, हमारी अयोध्या नगरी कितनी खूबसूरत लग रही है। सारी दुकानें भाई साहब एक ही तरीके से सजाई हुई है, एक ही तरह का डिजाइन है सारी दुकानों में। और ये जितनी भी दुकानें सजी हुई है ऐसे, ये मतलब गवर्नमेंट के खर्चे पे हुई है, दुकान वालों की है, लेकिन इनको सजाने का खर्चा सारा गवर्नमेंट ने दिया है। भाई साहब ये सामने देख रहे हो, ये ना मेन हनुमानगढ़ी मंदिर में अंदर जाने की लाइन लगी हुई है। लगभग भाई साहब 500 मीटर की लाइन लगी हुई है। भाई साहब बहुत क्रेजी क्राउड है यार, अगर लाइन में लगेंगे तो तकरीबन हमको 1 से 2 घंटे लगेंगे भाई साहब वहाँ अंदर पहुँचने के लिए, दर्शन करने के लिए। भाई साहब भीड़ देख रहे हो क्या क्रेजी भीड़ हो रखी है यार। भाई जी हनुमानगढ़ी के तो दर्शन हो गए, अपन लोग अब चल रहे हैं राम मंदिर की तरफ को और वहां पे आपको लेके चलते हैं, वहां दिखाते हैं। और भाई साहब भीड़ बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से ना सैटरडे संडे को मत आना, अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो आपको इतनी तगड़ी भीड़ मिलेगी। भाई अब ना राम मंदिर की तरफ जाने के लिए मैं बिल्कुल दोबारा से ना बाहर की तरफ रोड पे आ गया हूँ, क्योंकि जो हनुमानगढ़ी के सामने से रोड जा रहा है ना उस रोड से जाना तो भाई साहब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक तो जाने का रास्ता भी नहीं है, जाने भी नहीं दे रहे और भीड़ इतनी है कि आप जा भी नहीं सकते हो।
तो भाई जी हम ना मेन एंट्रेंस पे आ गए, यहाँ से ना अंदर जाने का रास्ता है राम मंदिर में। भाई साहब अभी भी तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है पूरे राम मंदिर की चारों तरफ। ऐसा कुछ एंट्रेंस है भाई मंदिर में अंदर जाने के लिए, और इसी रास्ते से होते हम बिल्कुल सीधा ये जो रास्ता है ना बिल्कुल मंदिर तक जा रहा है। तो भाई साहब हमने ना अंदर एंट्री ले लिया जो रास्ता राम मंदिर की तरफ को जा रहा है उस तरफ को, और ऐसा कुछ रास्ता है भाई। इस जगह को तो काफ़ी मैनेज करके रखा हुआ है, यहाँ पे भीड़ काफ़ी कंट्रोल में, काफ़ी मैनेजेबल है भाई। हनुमान गढ़ी की तरफ तो अंधाधुंध भीड़ है भाई, और वहाँ पे ना कुछ ऐसा मैनेजमेंट भी नहीं था तो इस वजह से कुछ ज़्यादा भीड़ वहाँ पे लग रही थी। यहाँ पे देखो प्रॉपर भाई साहब बैरिकेडिंग वगैरह की हुई है, जाने को रास्ता है, आने का अलग है, जाने का अलग है। भाई जी हम लोग ना मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते के तो अंदर आ गए, अब हम उस तरफ जाएंगे। पीछे देख रहे हो ये वो जगह है जहाँ से आप मेन मंदिर की तरफ को एंटर करोगे, और यहाँ पे ना कई सारे ऐसे टोल बूथ टाइप के बने हुए हैं, साथ यहाँ पे सारा चेकिंग वगैरह होगी और लॉकर रूम भी इधर ही होंगे, सामान वगैरह जैसे किसी को रखना है तो यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि भाई हम तो शूज़ पहन के आए हैं और मेरे पास सामान भी है, शायद यहीं सबमिट होंगे सब कुछ। इस तरीके से भाई सब बढ़िया जुगाड़ बनाया हुआ है, क्या फर्स्ट क्लास। पता नहीं कहाँ कैमरा बंद होगा, जहाँ तक कैमरा चल रहा है वहाँ तक लेके चलते हैं आपको भी। भाई थोड़ा और सर गाना। भाई ये सर गाना थोड़ा। तो भाई ये सिक्योरिटी चेक करवा के हम लोग अंदर की तरफ को आ गए। अब भाई चलते हैं अपना सारा सामान वगैरह रखने के लिए लॉकर रूम ढूंढते हैं, लॉकर रूम कहाँ है। ये सामने आप देख रहे हो ना बड़ी सी बिल्डिंग सी बनी हुई है, इसी के अंदर लॉकर रूम लगे हुए हैं भाई। मतलब जैसे ही एंट्री करा हमने सिक्योरिटी करवा के 500 मीटर 100 मीटर पे ही लॉकर रूम है भाई। यहाँ पे सूजो है रखने के लिए भी जुगाड़ बना हुआ है निशुल्क। यहाँ ओनली सूज, थैंक यू। तो भाई साहब सूज तो रख दिए, ऐसे पीछे ही ऐसे लॉकर रूम टाइप के बने हुए हैं, और ये भाई बिल्कुल फ्री है निशुल्क। भाई साहब बस ये है कि जहाँ पे जूते रखवाए ना वो लॉकर रूम अलग अलग है भाई साहब, कितने सारे हैं देख रहे हो, तो वो याद रखना है कहाँ पे हमारा 01 से 124 वाला है। भाई साहब यहाँ पे ना ऐसे लॉकर रूम वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे अपना मैं हेलमेट और बैग वगैरह और पर्स वगैरह भी अंदर नहीं लेके जा सकते, पर्स वगैरह भी यहाँ जमा करवाने पड़ेंगे। भाई जी हम लोग ना अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं, भाई साहब बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। बस सैटरडे संडे वीक ऑफ है, लोगों की छुट्टी थी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हो इधर आने का तो सैटरडे संडे मत आना, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सामान वगैरह मैंने अपना ले लिया। मैं सोच रहा था यार इन्होंने क्या करा है ना कि जैसे आप अपना सामान जमा करवाओगे लॉकर में, उसके बाद लॉकर की चाबी आपको दे देते हैं। भाई साहब बाहर निकलते निकलते ना 2:30 बज चुके हैं, और मौसम देखो भाई साहब क्या ऐसा लग रहा है, बहुत भयंकर ना बारिश होने वाली है। अपने को दिल्ली पहुँचना है क्योंकि कल मेरे को ऑफिस जाना है, पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। भाई मैंने ना बाइक पार्किंग में खड़ी करी थी, पार्किंग में देखो किसी ने झंडा निकाल लिया नेपाल का। अब हम चल रहे हैं वापस अपने हॉस्टल में, वहां से अपना सामान उठाते हैं और निकलते हैं। 3 बज चुके हैं, मैंने 2 बजे का एस्टिमेट लगाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बज जाएंगे और मैं निकल जाऊँगा, लेकिन 3 बज गए और 3:30 बज जाएंगे मुझे अब निकलते निकलते। भैया हाथ पकड़ लो बच्चों का, चलो भाई अपने होटल से अब हम लोग निकल गए। अब चल सीधा यहाँ से दिल्ली का मैप लगाते हैं भाई। यहाँ से भाई जो मेरा घर है वो 578 किलोमीटर है भाई, और अभी 3:30 बज रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो भाई जी हम लोग अयोध्या से निकल गए हैं, पेट्रोल भी डलवा लिया गाड़ी में, 976 रुपये का पेट्रोल आया। एक तो मैं इस गाड़ी से बहुत दुखी हूँ यार, पेट्रोल बहुत कम आता, टैंक बहुत छोटा है इसका। तो भाई जी हम लोग ना अहमदपुर पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी ना टोल क्रॉस किया है, और यहाँ पे भाई साहब एक ना टपरी मिली पीछे चाय की, तो चाय पीने के लिए रुक गए। और ना भाई बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है तो चला भी नहीं जाता, पूरा भीग चुका हूँ मैं यार, थोड़ी सी बारिश रुकेगी ना उसके बाद ही निकलेंगे। भाई चाय पानी वगैरह पी ली है और बारिश भी रुक गई है भाई साहब। अब मैंने ना कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, पूरे कपड़े मेरे गीले हो गए थे, अब निकलते हैं यहाँ से। भाई जी हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से मैंने ना लोकेशन लगा लिया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की, तो 350 किलोमीटर का वो एक्सप्रेस वे है, तो तकरीबन 3.5-4 घंटे लगते हैं उसको क्रॉस करने में, तो 4 घंटे में हम लोग आगरा पहुंच जाएंगे। मतलब 6 बज रहे हैं, 10:30-11 बजे तक हम लोग आगरा पहुंच जाएंगे, फिर वहां से 3 घंटे में फरीदाबाद।
किस बात की भीड़ है भाई। फाइनली हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में एंटर कर लिया और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 7:07 बजे हमने एंटर किया है। तो भाई जी अपन लोग ना टोल पे पहुंच चुके हैं। इनको कैश देना पड़ेगा भाई, ये लोग ना कार्ड लेते हैं और कैश लेते हैं, ये लोग फ़ोन पे वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। टोल हमने कटवा लिया है। अच्छा सीन क्या है ना, आगरा लखनऊ टोल पे अगर आप आओगे तो 6 बजे के बाद ना बाइक्स की एंट्री नहीं होती, तो अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप लोकल का बोल के जा सकते हो, लोकल्स को छोड़ देते हैं तो आपकी 100 रुपये की पर्ची कटेगी। 100 रुपये की पर्ची कटवा लेना, जो 220 रुपये की पर्ची होगी वो आप आगरा पे कटवा लेना। टोटल 320 रुपये का टोल है भाई। तो भाई जी एक्सप्रेस वे पे ना रेस्टोरेंट भी पड़ते हैं, तो जो पहला रेस्टोरेंट पड़ता है ना वो 80 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हम रेस्टोरेंट पे ये जो चाय पानी पीने का रुके हुए हैं, यहाँ पे चाय ले लिया और पेटीज ले लिया। उसके बाद एक और जो रेस्टोरेंट पड़ेगा ना वो 120 किलोमीटर बाद पड़ेगा भाई। अपनी चाय पानी भी हो गया और अपन ने पेट्रोल भी डलवा लिया। 600 रुपये का पेट्रोल आया, बस 710 रुपये का तेल आया। अरे बेचारा तू कहाँ घूम रहा है, बीच रोड पे कोई उड़ा देगा तेरे को। भाई साहब एक और ढाबा पड़ा है, दोबारा मैं यहाँ पे रुक गया, अब दोबारा चाय पीने जा रहा हूँ। पहले थोड़ा सा वॉशरूम चले जाते हैं। भाई साहब मैं ना गाड़ी को आराम आराम से लेके आ रहा हूँ, 110 से ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो रोड भी खराब है, दूसरा भाई साहब मुझे अपनी गाड़ी में ना कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको बीच बीच में रोक रहा हूँ, आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, अभी दूसरी तीसरी बार मैंने ये अयोध्या से जब से चलाऊँ ना, जैसे तीसरी बार ये ब्रेक लिया जी। 10:50 हो रहा है और हम लोग आगरा टोल पे पहुँच चुके हैं। सौ रुपये की पर्ची ना मैंने पहले कटवा ली थी जब मैं इस टोल पे चढ़ा था, 6:30 बज चुके थे, इसलिए उन्होंने लोकल वाली पर्ची काटी थी। अब 220 रुपये की पर्ची अब यहाँ कटी है, 230 रुपये की पर्ची यहाँ कटी है, टोटल 330 रुपये का टोल कटा भाई। अभी हूँ भाई मैं आगरा लखनऊ टोल पे, अब यहाँ से 20 किलोमीटर आगे ना, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे पड़ेगा आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे, अब उस पर चढ़ना है। हाँ आगरा से निकल तो गए हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और इस टाइम अभी हम आगरा इनर रोड पे हैं और यहाँ पे फॉग इतना ज़्यादा ना, गाड़ी चलाई नहीं जा रही। इसको ताज एक्सप्रेस वे बोलते ना, यमुना एक्सप्रेस वे। तो भाई जी हमने यमुना एक्सप्रेस वे पे पहुँच चुके हैं और टोल पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से ना मेरे को जाना फरीदाबाद, तो मैंने टप्पल तक का टोल लिया है जो कि मेरे को पड़ा भाई 145। कहीं चेक तो नहीं होगा। अब यहाँ से ना मेरा जो घर है लगभग 160 किलोमीटर है, अगर फॉग वगैरह नहीं होता तो मेरे को मात्र 2 घंटे लगते, अब फॉग की वजह से ना मेरे को 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। 12:30 हो चुके हैं, मतलब 3:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, फिर आ गया फॉग, कैसे ही चले बंदा इसमें। भाई साहब कैसे पहुँचूँगा घर में ऐसे फॉग में यार, मेरे को तो 4 घंटे लग जाएंगे। So guys, finally, welcome home. तो भाई घर पहुँच गया हूँ मैं। भाई साहब क्या ही हालत ख़राब हो गई थी, इतनी नींद आ रही थी ना, रेडबुल पी के मैंने बाइक चलाई है, 2 बार रेडबुल पी है, 2 बार जगह पर रुक के, तब जाके मैं आराम से घर पहुँच पाया हूँ, वरना इतनी नींद आ रही थी ना। चलो इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, आपसे कल मिलते हैं, बहुत कुछ बताने के लिए। और ना ये नेपाल ट्रिप आपको बताया मैं बीच में छोड़ के आया हूँ, और ये ट्रिप जहाँ पे छोड़ा है वहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे, मेरा काम वगैरह सब कुछ होते ही ना मैं वापसी पहुँचूँगा नेपाल। बाय बाय।